वेल दोस्तों, ओप्पो का रेनो 8 प्रो 5G, इसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग दी है, रिव्यू दिया है, कैमरा टेस्टिंग दी है, गिव अवे लाइव है। ये स्मार्टफोन दोस्तों एक ही वेरिएंट आता है इसका, 12/256 GB का, 46,000 यानी कि 46,000 रुपए, जहां पर ओप्पो ने बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, मारी सिलिकन एक्स चिप, इनके साथ में ओप्पो ने काफी तगड़ा पैकेज यहां पर तैयार किया है रेनो 8 प्रो के साथ में, 12/256 GB, 46,000 रुपए। इसी के साथ में दोस्तों वीवो का एक और नया तगड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन वीवो का V25 Pro, ये दोस्तों 23 का सक्सेसर है और ये आता है 12/256 GB, 40,000 रुपए, और जिन्हें चाहिए 8/128 सेम फीचर्स के साथ में 36,000 रुपए, यानी कि दोस्तों लगभग 5,000 का या फिर अलग वेरिएंट के अंदर 10,000 रुपए का सेम स्पेक्स के अंदर फर्क निकल के आता है। तो हमें दोस्तों स्मार्टफोन लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 40,000 रुपए के स्मार्टफोन की, ओप्पो रेनो 8 प्रो या फिर वीवो का V25 Pro। आज हम बात करेंगे दोस्तों फुल्ली डिटेल कंपेयर के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन हमारे लिए कौन सा हो पाएगा, कंप्लीट कंपेयर दोनों स्मार्टफोन का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरु जी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन गॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, इन हैंड फील की। दोनों ही स्मार्टफोन लुकिंग के अंदर, बिल्ड क्वालिटी के अंदर एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हैं। कैसे? रेनो 8 प्रो ये आता है दोस्तों 190 ग्राम का, 7.6 nm थिन है, कंप्लीट बॉक्सी, एकदम बॉक्सी डिजाइन। यहाँ पे दोस्तों पीछे आपको ग्लास मिलता है, मेटल का फ्रेम और ये बॉक्सी के साथ में मेटल फिनिशिंग दोस्तों अपने आप के अंदर काफी तगड़ी फीलिंग निकाल के देती है। और पीछे से है ना, ग्लास जो है दोस्तों टॉप टू बॉटम एकदम एक जैसा है, कैमरा के अंदर कोई भी कटआउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दोस्तों अपने आप में काफी तगड़ा लगता है। और हाँ, यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा, 3.5 mm जैक यहाँ पर नहीं मिलेगा, SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, एक ही वेरिएंट आएगा 12/256 GB का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं V25 Pro की, ये स्मार्टफोन दोस्तों जब आया था ना V23 Pro, वो क्या करता था, गोल्डन से ब्लू के अंदर कलर को चेंज करता था, और वो जो ब्लू कलर था दोस्तों, मुझे ऐसा लगा था उस वक्त के अंदर कि यार ये ब्लू अगर परमानेंट होता ना तो काफी तगड़ा मजा आता। शायद वीवो ने काफी यूजर्स की, जिन्हें ऐसा मन था, उनकी बातें सुन के एक बहुत ही प्यारा सा कलर दोस्तों ब्लू कलर यहां पर प्रोड्यूस किया है। यहां पे 192 ग्राम का है, 8.62 mm ये थिन है, यानी कि रेनो के मुकाबले वीवो का स्मार्टफोन जरा सा मोटा है, वजन में सेम है। पीछे आपको ना ग्लास मिलता है दोस्तों जो कि कलर को चेंज करता है। हालांकि पहले क्या करता था, गोल्ड से ब्लू होता था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, ये ब्लू से कोई अलग तरह का ब्लू निकल के आ रहा है, यानी कि लाइट ब्लू से डार्क ब्लू। यानी कि दोस्तों देखिए, वैसे तो डिपेंड करेगा आप पर कि आपको बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको चाहिए कलर चेंजिंग के साथ में एक बढ़िया स्मार्टफोन, देन वीवो, और अगर आपको चाहिए दोस्तों बॉक्सी के साथ में मेटल का फ्रेम, एकदम कटआउट काफी अच्छी है, तो देन ओप्पो। दोनों ने अपनी जगह पर काफी तगड़ा काम किया और दोनों अपनी जगह पर बेहतर है। वैसे दोस्तों आपको स्मार्टफोन कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है डिजाइन के मामले में, आपकी क्या चॉइस है, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के अंदर। दोनों स्मार्टफोन 40,000 रुपए की रेंज के अंदर डिस्प्ले के अंदर काफी तगड़ा काम करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। कैसे? रेनो 8 प्रो 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, 1000 निट्स की यानी कि 1000 निट्स की ब्राइटनेस पीक, जो कि सनलाइट में के अंदर दोस्तों एक ठीक ठाक सा काम कर देती है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट, वाइड वाइन L1, यहाँ पे दोस्तों 1 billion कलर्स वाला पैनल दिया गया है, जो कि 1 billion कलर्स को प्रोड्यूस करता है। बेजल चेन ये दोस्तों अपने आप में काफी कम है। 93% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है, जो कि एकदम फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आता है। दोस्तों ये डिस्प्ले अपने आप में देखने के अंदर एक तो बॉक्सी आ गया, ऊपर से फ्लैट डिस्प्ले, ये दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीवो की, वीवो ने दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। पहले जो बड़ी सी नॉच आती थी ना, उसे हटा के पंच होल कर दिया। इसी के साथ में 6.5 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, यानी कि प्लास्टिक OLED, ये दोस्तों 120 हर्ट्ज के साथ में आता है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, ब्राइटनेस पीक एज यूजुअल V23 की तरह 1300 निट्स की, HDR 10 प्लस आ गया, वाइड वाइन L1 आ गया, बेजल चेन ये दोस्तों यहां पर भी काफी कम है, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आ जाएगा। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन की अपनी जगह पर काफी तगड़ी है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों डिस्प्ले ने दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफी तगड़ा काम किया है। दोनों ही डिस्प्ले आपको है ना गेमिंग के अंदर, मीडिया वॉचिंग में, कंटेंट वॉचिंग के अंदर, डिस्प्ले कंज्यूम करने के अंदर एक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस दे पाएगी,
दैट्स फॉर श्योर। आपकी चॉइस क्या रहेगी दोस्तों, एमोलेड या फिर पी ओलेड या फिर कर्वेचर या फिर फ्लैट, आपको क्या अच्छा लगता है कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की स्पेक्स के बारे में। रेनो 8 प्रो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100, ये दोस्तों बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, 5nm फैब्रिकेशन पे आता है, 12/256GB का एक वेरिएंट आ गया, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 के साथ में, यानी कि दोस्तों यहां पर काफी तगड़ा काम हो गया ना। यहां पे आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, Android 12 आ गया, 7,30,000 से ऊपर आपको Antutu बेंचमार्क मिल गया, 2 साल के अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। लेकिन हाँ दोस्तों, Oppo का स्मार्टफोन है ना, तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ब्लॉटवेयर, मौज, जोश, ये आपको यहां से निकालने पड़ेंगे, यानी कि फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप काफी ज्यादा दी गई है। BGMI, उस वक्त तक BGMI अवेलेबल था दोस्तों, उसे मैं काफी हद तक खेला करता था, वहां पर 90fps का ऑप्शन दिया गया था। तो नॉर्मल गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सारा काम यहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भाई मुझे एक सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन, उस केस के अंदर ये स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए नहीं बना है। हाँ, हैवी टास्क करवा देगा, लेकिन ये कहता है ना भाई मुझे तो चाहिए सिर्फ एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन, उस केस में दोस्तों ये स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस के अंदर, डेली टास्क के अंदर आपका काफी अच्छा साथ ये निभा देता है। चलिए बात करते हैं V25 Pro की MediaTek Dimensity 1300। ये दोस्तों 1200 को ना जरा सा मॉडिफाई करके, थर्मल्स को कंट्रोल करके नया नाम दे दिया, बाकी वो 1200 के जितना ही वर्क करता है, ठीक है ना। 8/128, 12/256GB, 4X RAM, UFS 3.1 के साथ में, ठीक है, Android 12 पर आएगा, 7,10,000 से ऊपर आपको Antutu बेंचमार्क मिल गया, अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट दोस्तों फिलहाल Vivo ने यहां पर नहीं किए हैं, आप फोन खरीदने से पहले इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। Vivo का स्मार्टफोन है, Oppo और Vivo, मौज हो गया, जोश हो गया, ऐसी एप्लीकेशन को अपने साथ में देता है दोस्तों, इन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन PUBG न्यू स्टेट को 90fps पे सपोर्ट करता है दोस्तों, यानी कि, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, अगर BGMI आप खेलते हैं कोई भी तरीके से, उस केस के अंदर यहां पर BGMI को आप ना सेकंड हाईएस्ट सेटिंग पर खेल पाएंगे, नॉट ऑन 90fps, याद रखिए दोस्तों। लेकिन अगर आप रेनो की बात करते हैं और BGMI आप खेलते हैं किसी भी तरीके से, देन 90fps वहां पर अवेलेबल है। गेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, देन रेनो 8 प्रो 90fps के साथ में जरा सा आगे निकल जाएगा, यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस के अंदर दोनों स्मार्टफोन ने तगड़ा काम किया है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, दोनों ही स्मार्टफोन एक पर्टिकुलर गेमिंग या फिर एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस सेंटर के हिसाब से टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। BGMI बैन होने के बाद में आप स्मार्टफोन में कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, मेरी बात करूं, मैं फिलहाल दोस्तों कोई भी गेम प्ले आउट नहीं करता, टेस्टिंग के लिए PUBG का न्यू स्टेट, COD वगैरह खेल लेता हूं, लेकिन परमानेंट दोस्तों फिलहाल अभी मैं कोई भी गेम प्ले आउट नहीं कर रहा हूं। आप कौन सा गेम खेलते हैं कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा की। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 द फ्लैगशिप कैमरा सेंसर, 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, इन्हें आप डिस्काउंट कीजिए दोस्तों, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सोनी IMX709 के साथ में, रियर कैमरा 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, और फ्रंट कैमरा दोस्तों 4K नहीं है, FHD 30 फ्रेम पर सेकंड। ये मुझे यहां पर दोस्तों काफी ज्यादा डाउन लगा, क्योंकि रेनो 7 के अंदर में यही था, 4K 30fps, फ्रंट में 4K था नहीं, लेकिन इसे किया जा सकता था दोस्तों। डायमेंसिटी 8100 ये सपोर्ट करता है 60 फ्रेम पर सेकंड को, ठीक है ना। यहां पे दोस्तों इसकी मेन हाईलाइट क्या है कि हाँ, फोटोग्राफी बढ़िया आती है, वीडियोग्राफी के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल वीडियोग्राफी है ना वो हो जाएगी। यहां पे दोस्तों मारी सिलिकन एक्स चिप ये क्या करती है ना, हालांकि आपको बार बार ऐसा नहीं जाना है कि भाई मारी सिलिकन एक्स चिप है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट मोड जो होता है ना दोस्तों, अल्ट्रा नाइट मोड, ये आपको मिलता है रेनो 8 के अंदर भी, लेकिन वो अल्ट्रा नाइट मोड को है ना 4K के अंदर भी शूट कर सकती है, दैट्स इट, इसी का नाम है मारी सिलिकन एक्स चिप, और बस खत्म कहानी दोस्तों। कैमरा की ऐप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, नॉर्मल के अंदर, नाइट के अंदर आपके सामने, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, और आप एक कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं रेनो 8 प्रो के बारे में, सारी जानकारी मैंने आपको वहां पर शेयर करके रखी है, चेक डिस्क्रिप्शन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच आउट। लेकिन दोस्तों बात करते हैं Vivo की, 64 मेगापिक्सल्स का OIS यहां पर मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन रेनो के अंदर नहीं मिलता है, 8 का 2 का डिस्काउंट कीजिए, और 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा ऑटो आई फोकस के साथ में, 4K 60fps रियर के अंदर, और फ्रंट में दोस्तों 4K फिर से नहीं है, FHD 60fps। ये दोस्तों मुझे लगता है कि हाँ, फोटोग्राफी के अंदर, वीडियोग्राफी के अंदर एक तो 60fps देना, उसके अलावा यहां पर OIS का सपोर्ट मिलना, ये दोस्तों रेनो के मुकाबले आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ज्यादा बेहतर दे पाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ ना मैं कैमरा की आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं,
कैमरा कौन सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे टेस्ट करना बाकी है। ओप्पो को मैंने कंप्लीट टेस्ट कर दिया, लेकिन वीवो को दोस्तों जरा सा टेस्ट करना पड़ेगा। एक अलग से वीडियो आएगी दोनों के कैमरा कंपेयर की। आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैं दोनों स्मार्टफोन का सिर्फ कैमरा की बात करूं, दोनों स्मार्टफोन का साइड बाय साइड कंपेयर हमेशा की तरह, हमेशा करते हैं ना दोस्तों, रेनो का, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, शाओमी का साइड बाय साइड कैमरा कंपेयर, अगर आपको चाहिए कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपका पैसा बच रहा है ना दोस्तों, उस केस के अंदर Vivo V25 Pro ने अपनी जगह पर काफी तगड़ा काम किया है। कम पैसे के अंदर भी दोस्तों आपका ना एक बेहतरीन काम यहां पर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन Vivo का V25 Pro। वीडियो आपने यहां तक देखे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके अगर कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन, आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, रिप्लाई आपको वहां पे जरूर से मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।